मैंने बनाया है एक विशाल आइसोलेशन चेंबर, और अब हम ये देखेंगे कि क्या ये दो अजनबी इसमें अगले 100 दिनों तक सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। इससे पहले एक दूसरे से ये कभी नहीं मिले। बेली, यह है सूजी। सूजी, यह है बेली। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मिलकर अच्छा लगा। अगर तुम दोनों इस कमरे में अगले 100 दिनों तक डटे रहे तो मैं तुम्हें इसमें रखे $5,00,000 इनाम में दूंगा। लेकिन तुम में से एक भी 100 दिन पूरे होने से पहले पीछे हटा तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब शायद तुम रूल समझ चुके हो। मजे करना। ओके बाय। इसमें बहुत मजा आएगा। तो ये तो किसी पागल खाने जैसे लग रहा है। वो कमरे में रखी हर एक चीज को देख रहे हैं। उन्हें 100 दिनों के लिए हमने काफी खाना दिया है जो कि हेल्दी है, लेकिन इसका मतलब उन्हें एक ही चीज हर रोज खानी पड़ेगी। हमने उन्हें एक प्राइवेट बाथरूम भी दिया है जिसमें शावर लगा है, और जाहिर सी बात है वहाँ कोई कैमराज नहीं है, और सोने के लिए एक बिस्तर। यहाँ सर्वाइव करने के लिए इनके पास हर एक चीज है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कर पाएंगे? यहाँ एक कंघी है, मैंने जिंदगी में शायद कभी कंघी नहीं की होगी। क्या बात कर रहे हो? देखो, ये दोनों कमरे के अलग अलग हिस्सों में खड़े हैं, कितना ऑकवर्ड है ना। जब मैंने इनकी आंखों पर से पट्टी हटाई तब इन्होंने एक दूसरे को जिंदगी में पहली बार देखा। मैं सोच रही हूँ कि बाहर निकलने का एहसास कैसा होगा। अच्छा, हमें कितना ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? हमें बस 100 बार सोना है। हाँ, 100 बार सोना है, और ये दुनिया तब तक चलती ही रहेगी। ये सोचकर डर सा लग रहा है। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कमरे में आपको दिन और वक्त का कोई अंदाजा नहीं रहेगा, और पहली ही रात सूजी और बेली ने सिर्फ 2 घंटे सोने की गलती कर दी। इसका मतलब उन्होंने अपने दिन की शुरुआत 2:37 AM पर की। मैं ऐसे सोचूंगा कि अब बस यही मेरी आम जिंदगी है। तुम क्या खाना चाहते हो? तुम्हें बीफ खाना है या चिकन? चिकन। तो फिर चिकन खाते। अच्छा लग रहा है। बढ़िया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक सफेद बॉक्स में रहना काफी बोरिंग होता है। एक ही चीज को बार बार खाने के अलावा चेंबर में समय इन 2 चीजों में बीत जाता है, इस तेज रोशनी से बचने में। ये लाइट्स इतनी ज्यादा तेज है कि अपने आप को चद्दरों से ढकना पड़ता है, और मनोरंजन के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने में। जैसे कि 4th दिन पर जब उन्होंने अपने जर्नल के पेजेस फाड़कर उनसे ताश के पत्ते बनाए। क्या वो पत्ते बना रहे हैं? मैंने अपने ताश के पत्ते बना लिए हैं और मुझे लगता है काफी बढ़िया बने हैं। जो कि दिखने में काफी मजेदार लग रहा था, तो मैंने 30,000 की एक कुर्सी बनाई और उनके साथ शामिल हो गया। पांचवे दिन पर उन्होंने एक रजिस्टर बनाया जो कि उनकी एक बहुत ही शातिर चाल थी। ये क्या है? तुम्हें इस रजिस्टर पर साइन करना है। ओ, ये हमारे कैमरामैन है। रुको। हाँ, ये वो लोग हैं जो यहाँ आए थे। एक मिनट रुको, तुम ऐसा इसीलिए कर रही हो ताकि तुम दिन और वक्त को ट्रैक कर सको? रुको, मैं इसे ले जा रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तारीख मैंने लिखी है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। सच कहूँ तो ये काफी स्मार्ट था, लेकिन 7वें दिन तक पहुँचते पहुँचते उनकी दिमागी हालत पर असर होते दिख रहा था। बेली बौखला गया है, वो खाने को मर रहा है। हाँ, ये सब्जियाँ मेरे सामने कुछ भी नहीं है। 5 और कोशिश, लेकिन मुझे बस एक चाहिए। इसे कहते हैं निशाना। मुझे यकीन नहीं होता कि इस चैलेंज के 9वें दिन से ही ये दोनों इतने बोर हो गए कि वो इस एग्जिट डोर को खोल रहे हैं, जिसे पार करने पर वो जीती हुई सारी रकम खो देंगे। और आज 10वां दिन है। तुम कैसे हो?